हेलो एंड वेलकम टू सौरास्टर्स क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स ऑनर्स में डिफरेंट टॉपिक्स के लिए कौन कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हो और कौन कौन से बुक्स जो है कॉलेज में फॉलो किया जाता है, इनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स ऑनर्स कैन प्रोवाइड्स इन डेप नॉलेज अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स लाइक ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, कैलकुलस एंड न्यूमेरस अदर टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो सम ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉम्प्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च एक्सेट्रा। अ बी एस सी मैथ ग्रेजुएट, अ बी एस सी मैथ ऑनर्स ग्रेजुएट कैन गेट एम्प्लॉयमेंट in different fields like actuarial sciences, statistics, mathematical modeling, and even computer science and cryptography. A postgraduate in mathematics are hired in capacities such as accountant, personal banker, computer programmer, demographer, economist, loan officer, mathematician, statistician, technical writer, treasury management specialist, and even researcher. आइए अब जान लेते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स के लिए हम मैथमेटिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स के लिए हम कौन कौन से जो बुक्स है ये फॉलो कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस। तो इसके लिए आप जी बी थॉमस एंड आर एल फेनिकी कैलकुलस की जो बुक है ये फॉलो कर सकते हो, या फिर एपोस्टॉल की जो कैलकुलस की बुक है ये भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स है, जैसे एम जे स्ट्रॉस एंड जी डी ब्रैडली की एक बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एच एंटन एंड आई बिविन्स की भी एक कैलकुलस की बुक है वो भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में फॉलो कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के लिए आप जो बुक्स फॉलो कर सकते हो, इट इज़ एडगर जी गुडेरी एंड माइकल एम पारमेंटर की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद ग्राफ थ्योरी, एंड आप के ऑफमैन एंड आर कून्स की लिनियर एल्जेब्रा की जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स है जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप इनमें से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, और चाहे तो आप इन बुक्स के नाम को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हो। फॉर द टॉपिक ऑफ रियल एनालिसिस यू कैन फॉलो बार्टली शर्बर्ट्स बुक, या फिर आप एपोस्टल्स की जो बुक है ये भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मापा की एक बुक है लिनियर रियल एनालिसिस के लिए, ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। बार्टली शर्बर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर बुक among the undergraduate student for the topic of real analysis. इसके बाद जो टॉपिक आता है इट इज़ ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी वैसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इन दी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो ग्रुप थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ आप इसके लिए जो बुक्स फॉलो कर सकते हो उनमें से जॉन बी फ्रैली की एक बुक है अ फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, ये आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जोसेफ जे रॉटमैन की एंड इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ ग्रुप्स ये बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एम आर्टन की एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की जो बुक है ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। नाउ फॉर द टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, इसके लिए आप बार्टली शर्बर्ट की जो बुक है ये फॉलो कर सकते हो, एंड एपोस्टल की बुक भी यहाँ पर जो है आप फॉलो कर सकते हो। फॉर द टॉपिक ऑफ रिंग थ्योरी एंड लिनियर एल्जेब्रा, आप इसके लिए जो जॉन बी फ्रैले की जो फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की जो बुक है ये आप पढ़ सकते हो, एंड इसके अलावा भी स्टीफन एच फ्रिडबर्ग एंड आर्नल्ड जे इंसल की एक बुक है लिनियर एल्जेब्रा के ऊपर, ये बुक भी आप जो है पढ़ सकते हो। फॉर द टॉपिक ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मल्टीवेरिएट कैलकुलस, तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो बुक्स है इनमें से डी एम आर ए की इंट्रोडक्शन कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड
एमर स्पिजल की जो लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन बुक की बुक है, आउटलाइन ऑफ लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर आप जी एफ सिमंस की डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड रॉस की डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो बुक है बाय जॉन विली एंड जी एफ सिमंस की जो बुक है इट इज़ बाय टाटा मैकग्रोहिल, तो ये सब बुक्स बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा और भी सारे बुक्स है जो आपके सामने दिया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इज रीमैन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। इसके लिए आप बार्टली शॉर्बर्ट एंड एपोस्टल की जो बुक्स है एंड ऑल दी अदर नेम्स इन दी रियल एनालिसिस लिस्ट, यू कैन फॉलो दिस बुक्स फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए आप जी बी थॉमस एंड फिनी की बुक या फिर स्ट्रॉस की बुक या फिर आप एपोस्टल की जो बुक है यह फॉलो कर सकते हो। फॉर मेकानिक्स यू कैन फॉलो टी एफ डब्ल्यू केबल एंड एफ एच बर्कशायर की क्लासिकल मेकानिक्स की जो बुक है, या फिर आप पी फ्रेंच न्यूटोनियन मेकानिक्स की बुक है यह भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप डी टी ग्रीन वुड की जो प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स की बुक है ये फॉलो कर सकते हो। नाउ फॉर द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स यू कैन फॉलो फेलर्स बुक या फिर आप रॉस की जो बुक है या फिर मैग्रोहिल से जो मूड ग्रे बोस की जो बुक है ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स की इंट्रोडक्टरी लेवल के लिए काफ़ी अच्छे बुक्स है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप थ्योरी एंड लिनियर एल्जेब्रा पार्ट टू। इसके लिए आप फ्रेले आर्टिन या फिर जोसेफ की जो पहले हमने जिसके नाम बोले थे वैसे बुक्स जो है यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। फॉर मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यू कैन फॉलो सतीश सिराली एंड हरिकिशन्स एंड मेट्रिक स्पेसिस बुक एंड कुमार सरन्स टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसिस बुक, या फिर आप पी के जैन एंड के अहमद की जो मेट्रिक स्पेसिस बुक है बाई नारोसा पब्लिकेशन ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन बुक्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा मार्केट में, या फिर ऑनलाइन में आप कहीं से भी ले सकते हो, या फिर आपको कॉलेज के लाइब्रेरी से भी मिल सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड के लिए जो बुक्स आपको पढ़ना चाहिए उनमें से ब्रायन ब्रैडी की अ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस, या फिर आप एम के जैन की न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। नाउ फॉर एडवांस एल्जेब्रा यू कैन फॉलो जॉन वी फेले एंड ए मार्टिन्स बुक, जो हमने पहले भी कई सारे टॉपिक्स के लिए जो है रिकमेंड किया था। फॉर बायोमैथमेटिक्स यू कैन फॉलो जी डी मॉरेल्स मैथमेटिकल बायोलॉजी एंड वाई एस फंग्स बायोमेकेनिक्स, या फिर आप एम कॉट की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल इकोलॉजी ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। फॉर द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स यू कैन फॉलो टिमोथी जे फ्रीमैन्स द मैथमेटिक्स ऑफ मेडिकल इमेजिंग अ बिगिनर्स गाइड एंड सी डब्ल्यू ग्रोसेज इनवर्स प्रॉब्लम्स एक्टिविटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट द मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन 1999, या फिर आप एंड्रियस क्रिस की जो बुक है एंड इंट्रोडक्शन टू द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इनवर्स प्रॉब्लम्स ये बुक भी फॉलो कर सकते हो। फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यू कैन फॉलो एनडीओस ग्राफ थ्योरी विद एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस और जॉन क्लार्क एंड डेरेक एलन्स अ फर्स्ट लुक एट ग्राफ थ्योरी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए जो ग्राफ थ्योरीज के बुक है आप उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक कवर किया जाता है, तो आप ग्राफ थ्योरीज के बुक अगर आपके पास है तो उससे ही ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फॉर एलपीपी एंड गेम थ्योरी यू कैन फॉलो जी हैडलीज बुक, या फिर आप हमेदी ए ताहा की जो बुक है ऑपरेशनल रिसर्च के ऊपर ये बहुत ही अच्छा बुक है। फॉर बुलियन एल्जेब्रा एंड ऑटोमाटा थ्योरी यू कैन फॉलो एडगर्स बुक, या फिर आप रेडलॉफ की जो बुक्स है ऑन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। फॉर डिफरेंशियल जियोमेट्री यू कैन फॉलो टी जी विलमोर्स एंड इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल जियोमेट्री, या फिर बी ओनील की जो एलिमेंटरी डिफरेंशियल जियोमेट्री की बुक है ये आप फॉलो कर सकते हो। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग यू कैन फॉलो टिनमाइंट यू लोकनाथ देवनाथ की जो बुक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर ये बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप फ्रैंक मॉरिस एंड विलियम की एक बुक है अ फर्स्ट कोर्स इन मैथमेटिकल मॉडलिंग थॉमसन लर्निंग ये बुक आप फॉलो कर सकते हो।
For fluid statics and elementary fluid dynamics, you can follow Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics. या फिर यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स की भी, हाइड्रोस्टैटिक्स की जो बुक है, ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हो. फॉर पॉइंट सेट टोपोलॉजी यू कैन फॉलो मानक्रीज एंड कोर्स प्रिंटाइज हॉल ऑफ इंडिया. फर्स्ट कोर्स प्रिंटाइज हॉल ऑफ इंडिया की जो बुक है ये फॉलो कर सकते हो, या फिर आप दुगुंजी के टोपोलॉजी की बुक जो है ये फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जी एफ सीमन इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस की जो बुक है बाय मैकग्रोहिल ये बुक फॉलो कर सकते हो. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस. इसके लिए आप टी पद्मनाभन की थियोरिटिकल एस्ट्रोफिजिक्स की जो बुक है बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्पेस प्रेस ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एस वेनबर्ग की ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी की एक बुक है, या फिर आप बी वासु टी चैटर्जी एंड एस एन विश्वास की एंड इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोफिजिक्स, अगर आप कोई भी इंडियन बुक खोज रहे हो तो इसके लिए आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हो. फॉर एडवांस मैकेनिक्स यू कैन फॉलो एच गोल्डस्टीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स बाय नाडोसा पब्लिकेशन, और यू कैन फॉलो एन सी रानास एंड पी एस जुआग्स क्लासिकल मैकेनिक्स बाय टाटा मैकग्रोहिल, और यू कैन फॉलो ई टी व्हिटेकर्स ट्रीटाइज ऑफ एनालिटिकल डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स, या फिर आप ग्रैंड मैस्टर की लेक्चर इन एनालिटिकल मैकेनिक्स की बुक फॉलो कर सकते हो. तो इसी के साथ हमने हर एक टॉपिक वाइज जो बुक इम्पॉर्टेंस थे उसके ऊपर डिस्कशन की. पर किसी भी स्टूडेंट के लिए हर एक सब्जेक्ट में इतने सारे जो बुक्स है फॉलो करना पॉसिबल नहीं है. तो आपको जो करना है, आपको कॉलेज में जो बुक्स फॉलो किया जाता है वही एक या दो बुक्स आपको भी फॉलो करना है, और उसमें से ही आपको नोट्स बनाने हैं. आप अगर खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको सब्जेक्ट जो है, मतलब मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट टॉपिक्स है इसके ऊपर जो है डेप्थ बढ़ेगा, और आपको एक अंडरस्टैंडेबल जो है टॉपिक, अंडरस्टैंडेबल अमाउंट ऑफ जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा, जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. तो आज के लिए इतना ही. आई थिंक ऑल द स्टूडेंट आउट देयर कैन फुल क्लैरिफिकेशन अबाउट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड इन द मैथमेटिक्स ऑनर्स कोर्स. सो माय नेम इज अनपाल एंड नाउ आई एम साइनिंग आउट. थैंक यू वेरी मच.